द्विचक्रिक आसन, दोनों पैरों से एक साथ अथवा एक एक पैर से ऐसे। पहले ये दोनों पैरों से बता रहे हैं अभी, ऐसे दोनों पैरों से किया अथवा ऐसे किया, अलग अलग ऐसे। तो ये 12 अभ्यास हम यदि प्रतिदिन कर लेते हैं, सभी आसनों के बाद थोड़ी देर का शवासन भी ज़रूरी होता है। जिनको थकान बहुत अधिक रहती है, शरीर कमज़ोर है, तो वो तो सभी योगाभ्यास करने के बाद अंत में शवासन करे ऐसे। साक्षी भाव से माथे को, चेहरे को, आँखों को, पूरे मुखमंडल को, कंधों को, हाथों को, और ऐसे ही श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, उदर भाग को, फिर पृष्ठ भाग को और पैरों को पूरा शिथिल कर देते हैं। साक्षी भाव से स्वयं को देखते हैं। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये हमारे साधन है, और इन से कार्य लेने वाले हम आत्मा हैं। अपने आत्म स्वरूप में हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अम ब्रह्मास्मि ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। अपने आत्म स्वरूप में ऐसे प्रतिष्ठित हो गए, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम योग चित्त वृत्ति निरोध। और आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में ऐसे एकात्म हो गए, तो ये शरीर को, इंद्रियों को, मन को विश्राम मिलता है, और स्ट्रेस आदि से हम, तनाव से, उच्च रक्तचाप से, हृदय रोग से, थकान आदि से मुक्त हो जाते हैं।